नमस्कार सभी भाइयों को। मेरे पास अभी अभी एक कमेंट आया थोड़ी देर पहले, तो उसमें भाई साहब ने क्या पूछा कि फील्ड और आर्मेचर को कैसे चेक करते हैं। तो मैं ऐसे तो जवाब दे नहीं पाऊंगा कमेंट के अंदर, उसी के उसके चलते मेरे को एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जिससे कि मैं अभी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तभी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट और आगे शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो चलिए आपको फील्ड कॉइल को और आर्मेचर को चेक करके दिखाते हैं कि उनको कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप ये फील्ड देख रहे हो, एक कॉइल इस साइड में होती है हमारी और एक कॉइल इस साइड में होती है। इसके दोनों तार इस साइड में निकले होंगे या फिर एक तार इस साइड में निकला होगा। तो दोनों तार हमारे इसी कॉइल के, सिंपल सा तरीका है, इसको हम सीरीज से चेक करेंगे। अभी थोड़ा हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैंने सीरीज के अंदर अपना वायर को लगा लिया है। अभी देखना आप, हम एक तार उधर लगा रहे हैं एक ही कॉइल पे, दूसरी कॉइल पे नहीं जाना है। अभी देखिए ये कॉइल हमारी ठीक है। और भाई साहब का कहना था कि इसको ऐसे कैसे चेक करें कि ये शॉर्ट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, एक तार हम अपनी वायर पे लगाएंगे या रिंग पे लगाएंगे या फिर वायर पे लगाएंगे, कहीं भी लगा लो। देखिए हमारी जो फील्ड कॉइल है वो शॉर्ट नहीं है। चलिए मैं आपको नई फील्ड कॉइल चेक करके दिखाता हूँ। जी हाँ, तो मैंने नई फील्ड कॉइल ले ली है और मैं इसको अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं। ये तो फिलहाल ठीक ही मिलेगी, लेकिन मैं आपको वैसे चेक करके दिखा रहा हूँ कैसे हमारे को चेक करनी है। ये हमारी CM4 कटर मशीन की, और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीरीज कैसे बनाते हैं। ये देखिए हमारी एक फील्ड की तार तो हो गई, ये जो एक ही साइड से दोनों तार वायर निकाली है, एक इस साइड की और एक इस साइड की। ये एक तार उधर गया हमारा इस साइड में और एक ये हो गया, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे ये कर रखा है, तो हम लोग चेक करेंगे अभी। देखिए हमारी ये फील्ड कॉइल अभी ठीक है, हमारा बल्ब जल रहा है। और दूसरा चेक करेंगे, देखिए हमारी फील्ड कॉइल ठीक है, मतलब इस साइड की जो दोनों वायर होंगी वो इस साइड से चेक होगी और इस साइड की जो वायर है इस साइड से चेक होगी। अब इसको देखेंगे हमारी फील्ड कॉइल शॉर्ट है या नहीं है। हमारी फील्ड एक वायर को टच करेंगे और एक इस जो इसकी बॉडी को टच करेंगे, हमारी फील्ड कॉइल शॉर्ट नहीं है। दूसरी को टच करेंगे, देखिए हमारी कोई फील्ड कॉइल। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, फील्ड कॉइल हमारी ऐसे चेक होती है। और सीरीज के बारे में आपको बताता हूँ, सीरीज को कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारी सीधी बिजली में ये दो वायर लग गई बल्ब को अटैच करके, एक तार को यहाँ से काट लेंगे। ये मान लो ये बल्ब है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है हमारा, और ये सीधी बिजली में चलेगी हमारी तार, ठीक है। और इस वायर को यहाँ से कटिंग कर लेंगे, बिजली में तार लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कटिंग करके आप ये दोनों तारों को पकड़ना होगा कटिंग करके, और तब आप अपनी फील्ड को चेक कर सकते हैं। तो मैंने तो सीरीज बोर्ड बनाया हुआ है, लेकिन आप बना सकते हैं अपने घर पे या अपनी दुकान पे, जहां पर भी आपका आप चेक करना चाहते हैं। अभी इसी को दिखा देता हूं मैं। ये हमारे पास फील्ड है, ये 801 ग्राइंडर की फील्ड है, छोटे ग्राइंडर की। इसी को चेक करके दिखा देता हूं। ये देखिए हमारी जो फील्ड है वो ऐसे शॉर्ट होती है, अंदर तार कहीं मिला हुआ है, इसका बॉडी को अटैच है। ये देखिए
अंदर में भी कुछ हलचल हो रही है इसके। ये देखिए वहां पे ध्यान दीजिए, अंदर में देखिए कैसे शॉर्ट है, अंदर अंदर कैसे चिंगारियां उठ रही हैं। हमें एक ही साइड की कॉइल जो है चेक कर रहे हैं, इस साइड की दोनों तारें हैं हमारी। और बॉडी को टच करेंगे, देखिए हमारी फील्ड ये शॉर्ट है। और अभी दिखाता हूं आपको आर्मेचर को कैसे चेक करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये आर्मेचर है, अभी पुराना है, इसको कैसे चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये आर्मेचर ऐसे शॉर्ट नहीं दिखाई देते क्योंकि इसके अंदर ही अंदर वायर में आपस में अटैच हो जाता है और वो मैग्नेट नहीं बनाता, तो यहाँ पे स्पार्क दिखाने लग जाता है एक ही जगह से और वहां से ये उखड़ जाता है। तो अभी इसको मैं और बता देता हूं आपको कैसे इसको चेक करना होता है। आर्मेचर ठीक है यानी ये कहीं से कनेक्शन कट जाता है तो इसको ऐसे ऐसे चेक करते हैं, मतलब एक या तो फिर एक जगह पे अटैच कर लीजिए। अभी इसको मैं दिखा देता हूं आपको, एक जगह पे कहीं पर भी अटैच कर लीजिए, सॉरी इसको कहीं भी एक जगह अटैच कर लीजिए और चारों तरफ से ऐसे घुमा के देखिए, मतलब कहीं भी इसमें ये नजर नहीं आ रहा है, सभी जगह से ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे शॉर्टिंग दिखती नहीं है कि कैसे ये खराब होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तार आपस में चिपक जाते हैं गर्म होकर के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।